अभी तो भूख आप नंगा, ये क्या था वहाँ भूख लग रही है मोची मोची भूख लग रही है, गोश्त खिला दो गोश्त, बिरयानी में गोश्त की बोती निकल रही है, तो वह क्या तो था बिना उतर गया सूंगी बोती, पाकिस्तान में खुशबू आई सन, अरे हड्डी की तो वहीं कूद गया, बट से मोची मोची खिलाओ है तुम्हारा बिरयानी खा क्या ये बकोल। हाँ तो संविधान का तो अपमान कर रही है मोदी, जब से आए संविधान को बदलने की बातें चल रही है, कभी ऐसा हुआ नहीं भारत के इतिहास में कि संविधान बदलने की बातें कही हूँ, कांग्रेस ने भी कही हूँ, कभी नहीं कही, मगर जब से ये भाजपा आई है तब से इनके चिल्लर खटमल आईटी सेल के कुत्ते सबके सब यही कहते हैं कि हम ये संविधान बदल देंगे, संविधान पुराना हो गया तो ऐसे मोदी है, माँ पुरानी हो गई तो माँ बदल रहा है, बाप पुराना हो गया तो बाप बदल रहा है, और अब कह रहा प्रकट हो रहा हूँ भारत। ऐसा झूठा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। हाँ। और जहाँ पे बोल दिया रशिया के लोग भी हंस रहे थे। हाँ। वहाँ पर ही भारतवासी हंस रहे थे, जैसे भारतवासियों को कोई पता ही नहीं है। हाँ। जो भारतीय लोग भी मार रहे थे रशिया में, क्या उनके रिलेशन नहीं है क्या भारत में? हाँ। कह रहे यार यहाँ के भी झूठ बोल रहा, भारत के लोगों को परेशान कर रखा, यहाँ भी आ गया मनहूस। हाँ। पनौती। हाँ। समझे नहीं, और यहाँ पता नहीं क्या करने आ गया। हाँ। और इसकी वजह से यूक्रेन के लोग जो है ना, हमारे भारतीय जो यूक्रेन में जो है, हाँ। जो मेडिकल साइंस पढ़ने जाते हैं। हाँ। और जहाँ डिग्रियाँ लेते हैं डॉक्टर की, MBBS बन के आते हैं। हाँ। उनकी जिंदगी को भी खतरा पैदा कर दिया है इसने, सही बता रहा हूँ मैं, समझे? इसने ये भी नहीं सोचा, जब अगर राहुल गांधी विदेश जाए तो तारीफ करें भारत की, लेकिन जब मोदी जी विदेश जाए तो आप लोग कहें कि अपमान कर रहे हैं। हाँ तो ये तो अपमान कर ही रहा है, ये कहाँ नहीं अपमान करता, हर जगह अपमान करता। पहले तो एक बार बोला कि यार मैं भारत में, मेरे को एलर्जी है भारत से, मैं पैदा गलत जगह हो गया। कभी कहता माँ के पैदा ही नहीं हुआ था। हाँ। कभी कहता मैं प्रकट हुआ हूँ। लेकिन बीजेपी वाले तो लगातार राहुल गांधी को टारगेट करते हुए कहते हैं कि अगर वो विदेश जाते तो भारत का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं। हाँ तो संविधान का तो अपमान कर रहा ही रहा है मोदी। हाँ। जब से आए संविधान को बदलने की बातें चल रही है, कभी ऐसा हुआ नहीं भारत के इतिहास में कि संविधान बदलने की बातें कही हूँ, कांग्रेस ने भी कही हूँ, कभी नहीं कही, मगर जब से ये भाजपा आई है तब से इनके चिल्लर खटमल आईटी सेल के कुत्ते सबके सब यही कहते हैं कि हम ये संविधान बदल देंगे, संविधान हो गया। हाँ। तो ऐसे मोदी है, माँ पुरानी हो गई तो माँ बदल रहा है। हाँ। बाप पुराना हो गया तो बाप बदल रहा है, और अब कह रहा प्रकट हो रहा हूँ। हाँ। मोदी जी ने विदेश की धरती पर कहा है कि देश पहले रेंग रहा था, अब दौड़ रहा है। हाँ, रेंग रहा था। हाँ। और ये तो गटर में से फंसा हुआ था 14 से पहले। हाँ। समझे नहीं, इसके मुंह में तो जा रहा था सबके सामने सब सारी गंदगी। हाँ। 14 से पहले तो बड़ी मुश्किल से निकला, सना हुआ निकला है, सन सन के निकला सड़ा हुआ, 14 के बाद ही साफ सुथरा हुआ है, उससे तो पहले बेकार था बिल्कुल। लोग लाचार थे, अब लाचार नहीं, जगह जगह इसके फोड़े थे 14 से पहले। हाँ। समझे, आ दर्द होता था इसके। हाँ। नीली वाली दवा लेके आता था डिस्पेंसरी में लाइन में लग के। लाचार तो निराश तो यही था ना, गुफाओं में रहता था ये। हाँ। यही तो भीख मांगता था, तो अपनी निराशा को बता रहा कि मैं निराश था। हाँ। 14 के बाद हूँ ये हरकतें जो कर रहा हूँ, 14 के बाद मेरी निगाह गई सीधी छज्जे पे गई, वो भी उसका था टंगना उठावत का, वहीं से बस मेरी जिंदगी चमक गई टंगना उठावत का। हाँ तो ये मुद्दे की तो कह रहा हूँ भाई, उसको बना दिया सांसद, तो भाई यही तो कह रहा है कि उसने एम्स बन रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, आपको क्या दिक्कत? हाँ तो आपके बच्चे जा रहे हैं एम्स में पढ़ने, हैं इसके बताओ कैमरे वाले के जा रहे हैं बच्चे पढ़ने वहाँ, झूठ कितना बोल रहा है ये भी। अबे कई बार कहीं तो दिखाएगा भाई, ITI के माध्यम से पूछा, इनका भी एक मंत्री था केंद्रीय मंत्री, उसने कहा जी 5 साल में कोई ITI नहीं बनी, कोई कुछ नहीं बना, कोई एम्स नहीं बना, और कोई कुछ नहीं बना यूनिवर्सिटी एकदम मूर्ख बना था, स्कूल और कॉलेज कोई स्कूल तो बंद कर दिए, 75,000 स्कूल बंद कर दिए इसने भारत के, है जो प्राइवेट जो सरकारी स्कूल थे, तो इसे इसने कौन सी तरक्की दे दी 14 के बाद? 14 के बाद जितना बुरा देश का हाल हुआ है कभी नहीं हुआ, 14 के बाद रुपए की औकात खत्म कर दी इसने, रुपया गिरा दिया। अरे मैडम डॉलर तो इसके बाप का है, डॉलर हमारे देश में है डॉलर, तो डॉलर वाले तो मजबूत हो रहे हैं जो विदेशी हैं, भारतीय तो कमजोर हो रहा है, भारतीय तो सूख रहा है। यार डॉलर की बात करते हैं कि डॉलर जो मजबूत हुआ वही तो मजबूत हो रही है, सीतारमण देख लियो कितने फूल के होगी गुप्पा, पर्सनल क्यों अपने देखना पड़ता भाई, देश के गरीब देखो कितने गरीब है, उनके साथ नहीं दिख रहा कुपोषण का, गरीबी खत्म इसका बाप कर देगा, भूखे मर रहे हैं गरीबों को खत्म कर देंगे, कौन कह रहा है अभी खुद कर देगा खत्म। हाँ। लोग मर रहे हैं भुखमरी कंगाल पे, एक पक्का भोजन नहीं मिल रहा। हाँ। कुपोषण का शिकार हो रहे हैं बच्चे। हाँ। मर रहे, साल भर नहीं जी पा रहे, बैठू है तुम्हारी सरकार पर, धिक्कार है तुम्हारे मुंह पे, मुंह पे लालत है तुम्हारे, तुम्हें पूरा देश थूक रहा तुम्हारे मुंह पे, बेशर्मो झूठ बोलते हो, झूठे बेईमान हो तुम, है बन गया प्रधानमंत्री को, वहाँ पे प्रवचन दे रहा है, यहाँ प्रवचन बनता है का भी गुरु मजबूत, अरे कोई गुरु फुरु नहीं बनाया, कुछ भी नहीं है, नौटंकी कर रखा गुरु के नाम पे, लुटेरे आ गए देश के ऊपर, गुरु गुरु तू बनाएगा गुरु, देश के गरीब बेचारे भुखमरी कंगाल भूख के मारे तड़प रहे, अरे रोजगार नहीं मिला तेरे भीख मांग के जी ना, जितना भीख मांगा खुद होगे देश को बिखारी बना, अरे मैडम आपको दे रहे हैं काम धंधा होता है, तरक्की होता है, रोजगार दो। हाँ। किसी को भीखना चाहिए, 4 किलो चावल और गेहूँ तुझे रहना, पल्ली हो तुझे खाली हो गेहूँ, पर्सनल क्यों नहीं जाएंगे? हाँ। रोजगार जरूरी है या ये भीख मांगना जरूरी है पहले बता,
रोजगार भी जरूरी है, 5 किलो अनाज भी तो जरूरी है ना। नहीं है जरूरी, पहले लोग भूखे सोते थे, अब सब खा पी। कहाँ भूखे सोते थे भाई, मोदी जी ने कहा है। मोदी सोता होगा भूखा, हाँ। जब चोरी करके भाग जाता था तभी सोता होगा, दुबकता होगा पुलिस से, हाँ। तभी सोता होगा, हाँ। तो अपने लिए करा इसने ये भाई, खुद माया झूठा। चाय बेचते थे, तुझे चाय तो तू ही पीती थी वहाँ, हाँ। तू तो पीने जाती थी मच्छा है, और तेरे घर वाले जाते होंगे। तो कहा है ना मोदी जी, हाँ मोदी जी, मोदी ने पता नहीं क्या कहा है। मोदी तो कहता प्रकट हुआ हूँ मैं, हाँ। कहाँ से प्रकट हुआ ये तो पूछो, गटर में से प्रकट हुआ है, कहाँ से प्रकट हुआ है। माँ गंगा ने गोद लिया है क्या बात? कौन सी माँ गंगा ने, नंगा निकला होगा माँ गंगा के अंदर से, है। और दंगा खरवाया गंगा के नाम पे, गाय गंगा के नाम पे दंगा करवाया, मॉबलिंग चिंग कराई पूरे देश में। क्या तरक्की कर रहा भारत जी, तो विदेश नीति के तहत जाते। कौन सी विदेश नीति भाई, भारत का पैसे पे खर्च करके जाता और वहाँ कहता गप मारनी है, हाँ। गप मारता वहाँ, हाँ। भाई बताओ इसकी आदत ही खराब है, और देश की बदनामी करता वहाँ, है। कौन सी कूटनीति, काय की कूटनीति? कोई कूटनीति नहीं है, इसकी शकल बताती है, छिछोरा है, छिनरा है, लफंगा है, लुच्चा है। कोई नहीं, मोदी किराए के ले जाओ यार, मेरे को ले जाओ। नेता मोदी, अरे भाई वो किराए के जाओ, लाइन में खड़े हो वो ऐसे तो फोटो ले ही लेगा यार, हाँ। कोई भी ले लेगा फोटो। नारे, तो नारे से क्या है, मोदी के नारे से देश तो मर रहा है भूखमरी कंगार पे, हाँ। नारे तो यहाँ नारे तोड़ पा रहा है, जो बहन बेटियों के वो कौन देखेगा, हाँ। नारे की पड़ रही है, हाँ। कौन सी जनता बोल रही है, कोई अंधभक्त बोल रहे हैं, भूतनी वो अंधभक्त है भूतनी के, हाँ जो लगा रहे पोस्टर। जब दिल्ली मोदी जी आते हैं विदेशी यात्रा से तो देखा नहीं कैसे स्वागत करते हैं? हाँ तो स्वागत तो करेंगे भाई, महिलाएं खड़ी होती है। अरे स्वागत होता है भाई, हाँ। कई बार स्वागत होता है, कई बार मंगली लड़कियां होती हैं, स्वागत कुत्तों के भी हो जाते हैं माला डाल के, हाँ। प्रधानमंत्री सम्मानित तो सम्मान में क्या कह रहा हूँ, अपमानित है, सम्मानित नहीं, तभी तो मुंह काला करा रहे हैं, तभी तो देश की मिट्टी खराब कर। महा झूठे रिश्ते सुधार दूसरे देश आए के रिश्ते, बीबी से रिश्ते सुधार पाया, बीबी अभी तक गाली देती है अंदर अंदर मन में, है बताओ पर्सनल को ना जाऊँ, रिश्ते सुधारे अपनी बीबी के, है। जिसको बेचारी को छोड़ रखा है बिना मंगल सूत्र बिना सिंदूर के, घूमती फिर रही है बेचारी इधर उधर, है नाशा बना दिया है। आप लोग कितने भी बोल रहे हो लेकिन जनता तो आपकी बात नहीं मानती, इसके जनता नहीं मानती, मशीन मानती है इनकी बात, मशीन इनके हाथ में, ईवीएम मशीन है, भारत निर्वाचन आयोग में डकैत बैठे हैं, अरे भारत निर्वाचन आयोग में डकैत बैठे हैं, और तुम्हारे इसमें ज्यूडिशरी में डकैत बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं जो सही न्याय नहीं कर रहे देश के लोग, तो हर चीज पे सवाल, हाँ, रहे हैं। सवाल उठाएंगे नहीं, रिश्ते सुधार रहे हैं आपको उस पे भी, रिश्ते रिश्ते सुधार रहे हैं भाई, यहाँ रोजी रोटी रोजगार चाहिए देश को। भुखमरी है, अरे भुखमरी तो पाकिस्तान जब भी तो गया था ये बिरयानी खाने, और वही मौसी से मिलने गया था, नवाज शरीफ की अम्मा से मिलने, उसकी मौसी थी, अरे शॉल लेके गया था उसको उड़ाने, शॉल लेने गया था उड़ाने, वहाँ पे बिरयानी खा गया था बिना बताए, थर थर अभी तो भूखा मंगा ये गया था वहाँ, भूख लग रही है मोची मोची, भूख लग रही है, गोश्त खिला दो गोश्त, बिरयानी में गोश्त की बोटी निकली है तो वह घात होता, हाँ। बिना उतर गया सूंगी बोटी, हाँ। पाकिस्तान में खुशबू आई से, अरे हड्डी की तो वहीं कूद गया, हाँ। बट से और कह रहा मोसी मोसी खिलाओ, हाँ। तुम्हारा बिरयानी खा के आया, हाँ। ये बकोल कितने तहजीब वाले प्रधानमंत्री, हाँ तहजीब, ये बताओ देश को बिना बताए उतरता, हाँ। आतंकवादी देश में देशद्रोही बन के उतरता है, तो ये इससे भारत आगे बढ़ेगा? पाकिस्तान से तो मजबूत है ना भारत, है पाकिस्तान में इसकी बुआ है मौसी है, हाँ। दीदी भी होगी, जभी तो जाते हैं पाकिस्तान है, सबके सब भाजपा वाले, बताओ को दूसरा तो कोई जाता नहीं है, सबको पाकिस्तान में आने की लगी रहती है, इनके सारे जीजा वहीं है, फूफा वहीं है, मौसा वहीं, सब वहीं है, वहीं भागते हैं, इन्हें भारत की नहीं, वहीं की महंगाई से डर लगता है, इन्हें महंगाई दिखाई, सारे चैनल वाले मेन स्ट्रीम मीडिया के जो भी हैं कुकुर मुत्ते चैनल, अब देखो नहीं उसके लगा रहे हैं, किसको दिखा रहे पूरा दिन वो चैनल, शादी नहीं होगी आफत हो गई।